अनामिका एंड वेलकम टू मेट्रो टीवी। अब बारी है बॉलीवुड की उन टॉप 5 खबरों की जिसे जानने के लिए आप रहते हैं एक्साइटेड। काफी दिनों से रितेश की वाइफ का बेबी बंप रहा चर्चे में और अब मैडम का लिटिल बेबी उनके आंगन में खिलकारी करने आ गया है। सी दिस रिपोर्ट। गुड न्यूज एट देशमुख परिवार। जी हाँ, एक्ट्रेस जेनेलिया ने बुधवार को बेटे को जन्म दिया है। पापा रितेश देशमुख फिर से पापा बन गए हैं। रितेश जेनेलिया का 2 साल का बेटा रियान भी है। रितेश ने ट्विटर पर इस खुशखबरी का ऐलान किया। रितेश ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने बड़े बेटे रियान की फोटो शेयर करते हुए लिखा, मेरी आई और बाबा ने मुझे छोटा भाई गिफ्ट किया है, अब मेरे सारे खिलौने उसके हैं, लव रियान। मंगलवार को मम्मा जेनेलिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रितेश के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की थी जो उनके बेबी बंप के साथ फोटो शूट की तस्वीर है। आपको बता दें कि जेनेलिया और रितेश ने 3 फरवरी 2012 को लव मैरिज की थी। इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत इन दोनों की ही डेब्यू फिल्म तुझे मेरी कसम से हुई थी, जहां मम्मा जेनी ने दिया गुड न्यूज। तो वही करीना कपूर खान भी इसी तैयारी में जुटी है। क्या है पूरी रिपोर्ट, जानेंगे इस रिपोर्ट से। करीना कपूर प्रेग्नेंट है। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेस, करीना को 3.5 महीने की प्रेगनेंसी है। वो और उनके पति सैफ अली खान खबर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि सैफ और करीना हाल ही में लंदन से वेकेशन मनाकर लौटे हैं और बताया जा रहा है कि स्पेशली करीना के रेस्ट के लिए ये सब कुछ प्लान किया गया था। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है और ना ही उनके फैमिली मेंबर्स ने इसे लेकर कुछ कहा है। वेल, सैफ अली खान ने 16 अक्टूबर 2012 को 10 साल छोटी करीना कपूर से दूसरी शादी की थी और इस जोड़ी को सैफीना के नाम से भी जाना जाता है। दोनों की लव स्टोरी की शुरुआत फिल्म दर्शन की शूटिंग के दौरान हुई थी। दोनों ने मीडिया के सामने कभी भी अपने रिश्ते को कबूलने से परहेज नहीं किया। बता दें कि सैफ और उनकी पहली पत्नी अमृता के 2 बच्चे सारा और अब्राहम हैं। और अब करीना और अपने बेबी होने की खबर छुपाते दिख रही है। वेल, खबर में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त बताएगा। सनी इन गॉसिप्स। जी हाँ, अरबाज के साथ मैडम ने फिल्म करने से हामी जो भर दी है। बॉलीवुड एक्टर सनी लियोनी जल्द ही आगामी फिल्म 13 इंतजार में अभिनेता अरबाज खान संग दिखाई देंगी। वही सनी लियोनी का कहना है कि वो अरबाज खान के साथ काम करने का मौका मिलने पर खुद को भाग्यशाली समझती हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है कि दोनों कलाकार एक साथ स्क्रीन साझा कर रहे हैं। फिल्म पर सवाल पूछने पर मस्तीजादे की अभिनेत्री ने कहा, जी हाँ, अफवाहें सच है, मैं अरबाज के साथ काम करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। मुझे नहीं पता जिंदगी मुझे कहाँ ले जा रही है और आगे क्या होगा। मुझे लगता है कि सभी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। 13 इंतजार राजीव वालिया की बतौर निर्देशक पहली फिल्म होगी। इस साल 35 वर्षीय अभिनेत्री अपनी फिल्म मस्तीजादे और वन नाइट स्टैंड की वजह से काफी मशरूफ रही है। सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म रईस में भी सनी एक विशेष गाने पर थिरकती नजर आएंगी। सनी लियोनी ने कहा, मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। बॉलीवुड में मेरा अभी तक का जो भी सफर रहा है उसके लिए मैं काफी आभारी हूँ। ये कोई अपवाद नहीं है, मैं काफी एक्साइटेड हूँ। सनी MTV स्प्लिट्सविला के 9वें संस्करण की मेजबानी करती भी नजर आएंगी। शादी के बाद बिपाशा को किसिंग सीन से हुई प्रॉब्लम। क्या करण सिंह ग्रोवर ने किया मना या पति के प्यार ने किया बिपाशा को ऐसा। बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु अब फिल्मों में किसिंग सीन नहीं करेंगी। बिपाशा बसु ने हाल ही में अभिनेता करण सिंह ग्रोवर से शादी की है। बिपाशा शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखेंगी। साथ ही उन्होंने करण के करियर को संवारने का बीड़ा भी उठाया है। वेट बिपाशा। साथ ही बिपाशा बसु इस बात पर विचार कर रही है कि वो अब फिल्मों में किसिंग सीन नहीं करेंगी। फिल्म साइन करने के पूर्व ही निर्माता निर्देशक को इस बारे में बता देंगी। यदि उनकी ये शर्त मंजूर होती है तभी वो फिल्म करने के लिए हाँ कहेंगी। वह आपको बता दें कि सनी लियोनी भी ये शर्त लागू करने जा रही है। सनी भी पर्दे पर लिप लॉक नहीं करना चाहती। वैसे करीना कपूर के बारे में भी इस तरह की बातें हुई थी, लेकिन उन्होंने की एंड का में अर्जुन कपूर के साथ किसिंग सीन किया था। करीना का कहना है कि स्क्रिप्ट की मांग होने पर ही वो इस तरह की सीन करेंगी।
भाई बिपाशा कब तक अपनी बात पर अटल रहती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जल्द मराठी फिल्म में बीटाउन एक्ट्रेस विद्या बालन रखेंगी कदम। सी दिस रिपोर्ट। एक अलबेला से मराठी फिल्म जगत में कदम रख रही अभिनेत्री विद्या बालन ने इस फिल्म लता मंगेशकर के गाए गीत शाम ढले खिड़की तले को शामिल करने की गुजारिश की थी। लता ने इस गीत को फिल्म अलबेला में गाया था। एक अलबेला फिल्म के गीत शोला जो भड़के के लॉन्च पर विद्या ने कहा, मुझे अलबेला फिल्म के सारे गीत पसंद है लेकिन शाम ढले खिड़की तले मेरा पसंदीदा गीत है। जब शेखर जी और मुनीश जी घर आए तो मैंने उनसे इस गाने की शूटिंग के बारे में पूछा। विद्या ने बताया कि उनकी इस गाने के बारे में कोई योजना नहीं थी लेकिन बड़े प्यार से उन्होंने इसे फिल्म में शामिल कर लिया। इस फिल्म में विद्या को गीता बाली के किरदार में अतिथि भूमिका में देखा जाएगा। इस किरदार को लेकर अपनी तैयारी के बारे में विद्या कहती हैं, मैंने अभी ये गीत देखा, मैं गीता जी और इस फिल्म की प्रशंसक हूँ। मैंने इस फिल्म को फिर देखा, मैंने उनकी नाजुक अदा को खुद में ढालने की कोशिश की। मैं जानती हूँ कि मैं उनकी तरह नहीं दिख सकती लेकिन मैंने कोशिश की। गीता पर बायोपिक करने के बारे में पूछे जाने पर विद्या ने कहा कि निश्चित तौर पर वो इसमें काम करना पसंद करेंगी लेकिन वो इसमें उनके जैसे दिखने के लिए थोड़ी और मेहनत करेगी। शेखर सरतेंदर निर्देशित फिल्म एक अलबेला में मंगेशकर देसाई को भगवान दादा के किरदार में देखा जाएगा। वेल, बॉलीवुड टॉप 5 खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बी विद मेट्रो टीवी। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।